वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IS-41 एग्रीकल्चर में एक क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है एनिमल्स। अब इसमें हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि डिस्कस वेदर IS-41 शैल बी अप्लाइड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। तो पहला ये बताया हुआ है कि जू हैज बाउट टू लाइंस एंड वन टाइगर फॉर एग्जीबिशन इन जू केजेस फॉर अर्निंग टिकट रेवेन्यू, यानी वो टिकट रेवेन्यू अर्न करने के लिए कुछ एनिमल्स लेकर आए हैं जू में। पीकॉक कैप्ट बाय रेस्टोरेंट इन देयर ओपन डाइनिंग एरिया टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स, जस्ट इसलिए कि वहाँ मौजूद होगा तो लोग आएंगे, बच्चे आएंगे, वो देख के खुश होंगे और वो इस वजह से शायद उनको जो है वो फुटफॉल ज़्यादा मिले, ज़्यादा कस्टमर मिल जाएं। म्यूल्स कैप्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लगेज ऑफ टूरिस्ट बाय अ कंपनी विच प्रोवाइड्स कैंपिंग एंड हाइकिंग सर्विसेज टू फॉरन टूरिस्ट। तो यहाँ पे जो म्यूल्स हैं, मतलब ये कुछ हॉर्स टाइप एनिमल होता है, तो इसको यूज़ किया जाएगा कैंपिंग और हाइकिंग सर्विसेज के लिए टूरिस्ट में। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व नहीं है। जू में भी देखें बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। पीकॉक के अंदर भी जो हम देख रहे हैं तो वो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन या हार्वेस्ट वगैरह इन्वॉल्व नहीं है। स्मॉल बिजनेस यूजिंग हॉर्सेज इन हॉर्स वैगन फॉर टूरिस्ट टू ट्रेवल अराउंड हिस्टोरिकल प्लेसेज, यानी ये हॉर्स लेते हैं, हॉर्स वैगन में यूज़ करते हैं और टूरिस्ट उस वैगन में ट्रेवल करते हैं, तो उनसे ये चार्जेस लेते होंगे सर्विसेज के। फिर है पैरट्स कैप्ट फॉर ब्रीडिंग। अब ये यहां ब्रीडिंग आई है, यानी बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन मैनेज हो रही है बाय अ बर्ड शॉप सो दैट देयर ऑफ स्प्रिंग कैन बी सोल्ड, यानी जो एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट्स आएंगे उनको वो सेल करेंगे। हॉर्सेस कैप्ट इन स्टेबल फॉर ब्रीडिंग एंड टू बी ट्रेन एंड सोल्ड लेटर। तो ये सिक्स सिचुएशंस हैं। अब इन पर हमने इवेल्युएट करना है कि क्या IS-41 अप्लाई होगा या नहीं होगा। अब अगर हम देखें तो सब जगह पर लिविंग एनिमल्स की बात हो रही है और बायोलॉजिकल एसेट की डेफिनेशन होती है लिविंग एनिमल और अ प्लांट। तो ये तमाम के तमाम जो है वो बायोलॉजिकल एसेट की एग्जिस्टेंस तो इंडिकेट हो रही है कि इसमें लिविंग एनिमल्स हैं, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमें जहन में रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब IS-41 का हम स्कोप पढ़ते हैं तो वहां पर यह है कि बायोलॉजिकल एसेट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इन सब पर हम IS-41 तब अप्लाई करते हैं अगर वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से रिलेट करता होता है। तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से रिलेट करेगा तो हम IS-41 अप्लाई करेंगे, नहीं रिलेट करेगा तो अप्लाई नहीं करेंगे। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी की डेफिनेशन है इज द मैनेजमेंट बाय एन एंटिटी ऑफ द बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड हार्वेस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट फॉर सेल और फॉर कन्वर्जन इंटू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और इंटू एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट। तो अगर हम नोट करें तो ये जो हमारे पास फर्स्ट फोर सिनेरियोज हैं, इनमें कहीं भी हमारा मकसद बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम उन एनिमल्स की जो है ना ग्रोथ के ऊपर फोकस करें, ना हम उनसे कोई जो है मिल्क या ऐसी कोई और जो हार्वेस्ट करके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हासिल करना चाह रहे हैं, ना हम वो बायोलॉजिकल एसेट फॉर सेल रख रहे हैं, ना हमारा मकसद उनकी बिल्डिंग है, यानी एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट भी नहीं है। तो 1 to 4 का आंसर तो ये होगा कि इन पर IS-41 अप्लाई नहीं होता क्योंकि ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेट नहीं करते। लेकिन अगर हम पॉइंट नंबर 5 और 6 की तरफ आएँ तो इसमें ब्रीडिंग स्पेसिफिकली यूज हुआ और सेल की बात भी हुई जो कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी की डेफिनेशन में आती है, एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट्स को क्या हासिल करना और उनको सेल के लिए हार्वेस्ट वगैरह करना। तो ये दोनों जो आइटम हैं ये इनके ऊपर IS-41 अप्लाई होगा क्योंकि एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेट करते हैं, that is for sale or for having additional biological assets by breeding। So ये एक simple सा question था जिससे हमें ये concept clear होता है कि किन biological assets पर IS-41 apply होगा और किन पर apply नहीं होगा। So that's all for today। Have a good day।